राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, अभी दिवाली आने वाली है, छुट्टियां भी रहेंगी, ऑब्वियसली बात है। और भाई, फेस्टिव सीजन में हम लोग दबा के खाते हैं मिठाइयां, ऑयली फूड। बट अगर सेम फूड कुक हो जाए लेस ऑयल में, तो एक तो हेल्थ बनी रहेगी और मजा भी खूब आएगा। बट अब ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा अमेरिकन माइक्रोनिक्स का ये वाला 6.5 लीटर का एयर फ्रायर। और भाई साहब, ये आपके लिए ग्रिल कर सकता है, रोस्ट कर सकता है, बेक कर सकता है, तो आप काफी कुछ इसके अंदर कुक कर सकते हो। चलो फिर फटाफट इसका धागा खोलते हैं और देखते हैं भाई बॉक्स के अंदर किस तरह का प्रोडक्ट है। और इसकी परफॉर्मेंस चेक भी होगी, वो कैसे होगी तो इसी वीडियो में हम कुक करके भी देखेंगे। तो आपको मजा भरपूर आने वाला है। बट भाई, ऐसा ही मजा कंटिन्यू रखना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है शैलेंद्र01 खरे। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करता हूं, उसमें से कई सारे प्रोडक्ट मैं रीसेल करता हूं अपने ऑनलाइन स्टोर पर। तो आप विजिट कर सकते हो मेरा ऑनलाइन स्टोर, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे उसके साथ आपको ओरिजिनल बिल मिलेगा, रिमेनिंग वारंटी मिलेगी और डिस्काउंट तो आपको भर भर के मिलेगा ही। आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हो रखे हैं, तो अगर आप डायरेक्टली मुझसे बाय करना चाहते हो तो चेकआउट करो इन प्रोडक्ट्स को। इस तरह का बॉक्स मिलता है, यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक वारंटी कार्ड मिलता है, एक मैनुअल मिल जाता है और इस तरह की एक रेसिपी बुक मिलती है। और भाई, ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा एयर फ्रायर। इसके साथ ये जो रेसिपी बुक है, इसके अंदर 26 वेज नॉन वेज तरह की डिशेस की रेसिपी दी गई है। तो भाई, काफी कुछ आप इससे कुक कर सकते हो। दोस्तों, इसका जो डिजाइन है वो काफी कॉम्पैक्ट है और ये देखने में काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हमें सबसे पहले अमेरिकन माइक्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और आप जो फ्रंट बॉडी देख रहे हो ये मेटल की बनी हुई है और जो इसका अपर पार्ट है वहां पर भी आपको मेटल शीट लगी हुई दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ का जो हैंडल है ये भी मेटल शीट इसके ऊपर लगी हुई है और ये जो दोनों बटन है ये प्लास्टिक के हैं। अच्छा, ये जो बटन है ये कूल टच है, मतलब जब आप इसको यूज कर रहे होगे तो ये बटन गर्म नहीं होंगे। इसके अलावा जो ये हैंडल है ये भी गर्म नहीं होगा। इसके दोनों साइड और जो बैक साइड है ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। यहाँ हमें इस तरह के एयर वेंट मिल जाते हैं। इसमें हमें कुछ इस तरह की डिजाइन वाला बेस मिलता है और आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह की चार रबड़ लगी हुई है जो इसको एंटी स्किड बनाती है। ये जो बटन दिया गया है ये टाइमर वाला बटन है और यहाँ पर हमें 0 से 60 मिनट तक का टाइम मिल जाता है। इसको जैसे ही आप रोटेट करोगे पावर ऑन हो जाएगी कुछ इस तरह से, देख सकते हो। और जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा कुछ इस तरह से बेल बजती है और हमें पता चल जाता है। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर सेट करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, ये अभी ऑफ पर है। इसके बाद इसमें आप मैक्स 200 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी टेम्परेचर सेट कर सकते हो। तो जो भी डिश आपको कुक करनी है उसमें कितना टेम्परेचर चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर दोगे। इसको ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करने के लिए आपको इस हैंडल को कुछ इस तरह से खींच लेना है और ये इस तरह से अलग हो जाता है। यहाँ पर हमें एक बटन दिया हुआ है, जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे ये जो बास्केट है ये इस तरह से अलग हो जाती है। तो दोनों को आप अलग करके अच्छे से क्लीन भी कर सकते हो। इसके अंदर आप देखोगे तो इस तरह का जो हीटिंग कॉयल है वो लगे हुए हैं और ये 1700 वॉट की पावर जनरेट करते हैं, जिससे आपका मील है वो काफी अच्छे से कुक हो जाता है। और इसके अंदर की जो बॉडी है ये एक मेटल बॉडी है, स्टील की सीट यहाँ पर लगी हुई है। इसको यूज करने के लिए आपको अपने मील को इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद इस बास्केट को कुछ इस तरह से बंद कर देना है। इसके बाद आपको टेम्परेचर को सेट कर लेना है, लाइक मैंने अभी 180 डिग्री सेट कर लिया है। इसके बाद सपोज मुझे 20 मिनट्स के लिए इसको रन करना है तो मैं 20 मिनट्स पर सेट कर दूंगा और ये हमारा एयर फ्रायर स्टार्ट हो गया है। अब ये ऑटोमेटिकली जैसे ही 20 मिनट्स खत्म होंगे ये स्टॉप हो जाएगा। ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड है। और मैं एक बात और कहूंगा कि अमेरिकन माइक्रोनिक्स के हमने पहले भी कई सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है और मेरे घर में भी यूज हो रहे हैं। भाई, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो काफी जबरदस्त होती है। अच्छा, ये काफी कॉम्पैक्ट भी है। इसका जो वेट है वो है 5.7 केजी। इसके अंदर टर्बो टनल टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिससे इसके अंदर जो एयर होती है वो 360 डायरेक्शन में रोटेट होती है और इसकी 1700 वॉट की पावर में जो आप मील कुक करते हो वो एकदम परफेक्टली कुक होता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि एयर फ्रायर में सिर्फ आप फ्रेंच फ्राइज ही बना सकते हो, बट ये वाला एयर फ्रायर आपके लिए रोस्ट कर सकता है, बेक कर सकता है, ग्रिल कर सकता है। तो इसमें आप काफी कुछ बना सकते हो, लाइक आप रोस्टेड चिकन बना सकते हो, स्वीट पोटैटो फ्राइज बना सकते हो, आप इसमें फ्राइड चिकन बना सकते हो, डोनट्स बना सकते हो, पिज्जा बना सकते हो। तो भाई, रेसिपी खत्म नहीं होगी, बहुत सारी चीजें आप इसमें बना सकते हो। तो भाई, अब टाइम आ गया है इसकी परफॉर्मेंस चेक का, तो इसमें आप कुछ कुक करके भी देख लेते हैं। भाई, मैं तो एयर फ्रायर में सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली डिश फ्रेंच फ्राइज ही कुक करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे लिए इजी टू कुक है। सो गाइस, अब मैं इसमें बनाने वाला हूँ फ्रेंच फ्राइज और मैंने जो रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज आती हैं वो इसमें डाल दी हैं। अब इसको कुक करेंगे। इसको मैंने प्रीहीट भी कर लिया है, प्रीहीट करना जरूरी रहता है, तो इसको मैं ऑलरेडी प्रीहीट कर चुका हूँ। अब मैंने इसको इसमें रख दिया है और यहाँ पर टेम्परेचर आप देख सकते हो मैंने 200 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुरकुरी टाइप की फ्रेंच फ्राइज चाहिए। इसके बाद अब मैं इसको 20 मिनट्स पे सेट कर दूंगा। और भाई, ये हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया है। बीच में आप इसको निकाल के देख भी सकते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा सिक जाए या ज़्यादा कुक हो जाए,
तो उसके हिसाब से आपको बीच बीच में चेक भी करते रहना है। तो दोस्तों टाइम हो गया है ओवर, फटाफट देखते हैं किस तरह की फ्रेंच फ्राइज इसमें तैयार हुई है। वाओ, तो आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी और इनका कलर देखो कितना सही आया है। तो भाई फ्रेंच फ्राइज हो गई है तैयार, अब फटाफट करते हैं टेस्ट, क्योंकि देखने में तो भाई बड़ी औसम लग रही है, एकदम कुरकुरी करारी। टेस्ट भी भाई तो जैसी फ्रेंच फ्राइज बाहर मिलती है वैसी आप घर में बना सकते हो, और ये विदाउट ऑयल में है, सो सुपर हेल्दी, तो इसकी परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त है। तो भाई आपने देख लिया ये किस तरह से परफेक्टली कुक करता है आपके मील को, और मुझे तो इसकी फ्रेंच फ्राइज खाने में एकदम मजा ही आ गया। तो दोस्तों कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को, तो मुझे लगता है कि 6000 रुपए की प्राइस में ये वाला एयर फ्रायर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए लो फैट मील कुक कर सकते हो। इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर लेना। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आता है जिसमें आपको यहाँ पर एक टच मेन्यू मिल जाता है और कई सारे प्रीसेट मोड्स भी मिल जाते हैं, और दोनों की प्राइस में भी मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, 700-800 रुपए का डिफरेंस है। तो अमेरिकन माइक्रोनिक्स का वो वाला एयर फ्रायर भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों इस चैनल पर जो भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करता हूं उसमें से कई सारे प्रोडक्ट मैं रीसेल करता हूं अपने ऑनलाइन स्टोर पर, तो आप विजिट कर सकते हो मेरा ऑनलाइन स्टोर, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां से आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे उसके साथ आपको ओरिजिनल बिल मिलेगा, रिमेनिंग वारंटी मिलेगी, और डिस्काउंट तो आपको भर-भर के मिलेगा ही। आप देख सकते हो यहां पर कई सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हो रखे हैं, तो अगर आप डायरेक्टली मुझसे बाय करना चाहते हो तो चेकआउट करो इन प्रोडक्ट्स को। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं इस एयर फ्रायर के फीचर्स को लेके तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको आंसर कर दूंगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, तो जो मैं रील वगैरह डालता हूँ वहां पर मुझे कमेंट कर देना और वहीं पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। बट मुझे फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी है मेरी शैलेंद्र01 खरे। दोस्तों अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मंथी सेल ब्लॉग्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो भाई वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।